लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए दाऊद के करीबी रियाज भाटी से धन उगाही कराते थे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि जो लोग जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें फडणवीस सरकार ने संरक्षण दिया और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन रखने वाले लोगों को ही राजनीतिक पद प्रदान किए। नवाब ने जवाब मांगा कि फडणवीस बताए कि रियाज भाटी के साथ उनके क्या संबंध थे। मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकायद गुंडा, दो दिन में जमानत हो गई। एक कुकायद गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। आज तो इतना बता रहा हूँ, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। नवाब मलिक के सवाल पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि दाऊद की संपत्ति खरीदने और रियाज भाटी से उनका कोई संबंध नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि नवाब मलिक ड्रग्स तस्करों के सरदार है और खुद एवं दामाद को बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। दोन अंडरवर्ल्ड च्या लोकांकडून ही जमीन जी घेतली आहे ती 20 रुपये चौरस फुटाने घेतली आहे, 30 रुपये 25 रुपये चौरस फुटाने घेतली आहे, 25 रुपीज पर स्क्वेअर फीट, 25 रुपये चौरस फुटाने ही जमीन त्यांनी घेतली आहे। आता मुंबईमध्ये तर उकिरड्याची जागाही 25 रुपये चौरस फुटाने मिळत नाही आणि पेमेंट 15 रुपये चौरस फुटाने केलाय। आता प्रश्न हा आहे की पहिल्यांदा मुंबईच्या गुन्हेगाराकडनं मुंबईच्या हत्यारांकडनं ही जमीन विकत घेण्याची काय आवश्यकता होती? Why did you do business with killers of Mumbai? Killers of Mumbai. कोण आहे हा शाह अली खान? ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।